15 प्रो मैक्स के पैसे वसूल हो गए भाई, सारे दिख रहे भाई। कोहली भैया अनुष्का शर्मा को इशारे करे, तुम जाओ। इंडियन टीम आ चुकी है, कमेंट करके बता दो। ज्यादा एक्साइटमेंट कर दूं सब गोरे। सुबह सुबह जर्सी पहन लिया, अभी तो हम उठे हैं, अभी पूरी तैयारियां करनी है। देन व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक। एंड भाई आज हो रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। मैं ना चैंपियंस ट्रॉफी देखने गया था 2017 लंदन में, एंड वहां पे मैंने देखा था इंडिया श्रीलंका का मैच, एंड वहां पे मैं फैन हो गया था भाई। जो क्रिकेट का एटमोसफेयर होता है ना, तो सारे चीखे मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, एंड अपने प्यारे प्यारे लोग को हम साथ भी ले आए। बट देन अगर आप नए हो, आप दो मिनट लगा के आप भी प्यार दिखा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हो। आपको आज पूरा VVIP एक्सपीरियंस दिखाएंगे। 2 घंटे रह रहे हैं निकलने के लिए, आप अभी से क्यों तैयार हो गए? ओह 99 की छपवा है ये बताना। 99 नॉट आउट, 100 ही छपवा लेते हैं। और भाई सुबह का नाश्ता पूरा आर्मी स्टाइल में है, ब्रेड और साथ में सॉस और बटर। ये देखो एक्साइटमेंट है इनकी सबसे ज्यादा। स्मेल जो है ब्रेकफास्ट की, वो भी आर्मी वाली स्मेल है। तो ये स्मेल भी बाहर नहीं आ सकते। आर्मी वाले आर्मी छोड़ सकते हैं, बट अंदर का आर्मी नहीं छोड़वा सकते। पापा मुझे बताते हैं सुबह सुबह 70-80 एयरक्राफ्ट जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट होते हैं वो लैंड करे। न्यूज में भी हर जगह आ रहा है कि लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ऐसे खुले खुले गार्डन में और प्यारे प्यारे घरों के बीच में चाय पीने की ना फील या लगाती है। एंड पापा के ना पुराने आर्मी के दिन याद आ जाते थे। देखो इतनी शांति वाला माहौल होता है, मतलब क्या फील आ रही है यार, सोचो। सुन हमने भी अपनी जर्सी पहन ली है, तो साइजेस ना थोड़े मैंने सेफर साइड के लिए एक बड़े ही ले लिए, तो ये लार्ज आएगा मुझे मीडियम। मीडियम किसका है आप लोग देख सकते हैं। मैडम भी अपने घर से निकल चुकी है, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। कर्ण साहब तो सबसे ज्यादा एक्साइटेड है। आपको पता है ये 3 स्टार्स किसके होते हैं? नहीं सच्ची बताओ, सीरियसली क्या देखने आए हो आप? वर्ल्ड कप। इंडिया कितने जीता है? ये 3 स्टार होते हैं, जो इंडिया 3 वर्ल्ड कप जीता है ना उसके लिए है। थोड़े दिनों में चौथा भी लग जाएगा। भाई धृति भी आ चुकी है, उसको हम पहली वाले से आर्मी का अकोमोडेशन दिखा रहे हैं। मुझे विराट का फोन आया था। क्या कहता? जीत रहे हैं। सट्टा लगा रहे हैं, जीत रहे हैं। धृति को हम आर्मी का दिखा रहे हैं कैसा होता। चलो अंदर। अपनी मिलिट्री पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। सो जैसे सिविल में पुलिस होती है, ऐसे आर्मी की भी पुलिस होती है। उनकी गाड़ी कुछ ऐसी होती है, सेना पुलिस। इससे ये होगा कि शायद हमें पूरा गेट तक एंट्री मिल जाए, थैंक्स टू कर्नल साहब। हमें वॉक नहीं करना पड़ेगा एंड हम सीधा अपने गेट के बाहर ही जाएंगे। तीसरी जर्सी जिसकी थी उसने पहन ली है, धृति 07 जेम्स बॉन्ड समझती है अपना। क्यों लिखवाया 07? क्यों लिखवाया? क्यों लिखवाया? ऐसी समझ ही नहीं आ रहा था, तब क्या लिखूं मैंने। मैं अभी जिस गाड़ी में बैठा हूँ ना, 13 साल हो गए मुझे इस गाड़ी में बैठे हुए, अभी भी वैसी फीलिंग आ रही है कि मैं कल ही बैठा था यार। क्या यार, इससे अच्छी ओजी गाड़ी कोई नहीं हो सकती। इतने सालों बाद कैसा लग रहा है? बहुत मजा है, तो आर्मी में कभी छोड़ता ही नहीं। वो अलग बात है, अभी जब हम ले गए थे तब हम सफारी में घूमे थे, बट देन भाई जिप्सी हमने अपनी गाड़ी चलानी भी भाई एक आर्मी की जिप्सी में सीखी। भाई 1 घंटे से हम अनुने और अपूर्वा की वेट कर रहे थे, वो पता नहीं 1 घंटा दूर कहीं रह रहे हैं, एंड साथ के साथ रात को भाई साहब 4 बजे आए हैं घूम फिर के, तो हमने सोचा था साथ चलेंगे। बहुत ही ज्यादा तगड़ा ट्रैफिक लगा हुआ, मतलब पिछले 1 किलोमीटर से भी इतना ही लगा हुआ था। भाई हम ये ना VIP रूट से जा रहे हैं, तो ये पूरा खाली है एंड यहीं से अपनी एंट्री होगी, तो यहाँ पे अलग तामझाम हो रखा है। एंड एक चीज तो हम बातों में भूल ही गए, कुछ लोग आ जाते हैं इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने, इनको मैं 5 प्लेयर के नाम पूछूंगा इंडियन टीम में से, अगर इन्हें बता दिया ना तो जो बोलेंगे मैं स्टेडियम पे कूद के भाग जाऊंगा। विराट कोहली, केएल राहुल, गाइस आपको ब्रेक के बाद मिलेंगे। अभी तो हम यहाँ से क्या ऋषभ पंत, इनको ना सिर्फ वही 2 नाम पता था जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस से मैरिड है, इसके अलावा इनको कुछ नहीं। हाँ चलो 3 हो गए, अभी सोचती रहेगी। हम बदल ना आगे निकल गए हैं, फाइनली हमारी एंट्री। हम लोग एंटर कर चुके हैं स्टेडियम, हम लोग गेट नंबर 1 से नहीं एंटर कर रहे, हम लोग पीछे वाले जो VIP एरिया है वहाँ से एंटर कर रहे हैं, एंड सीधा सारी पुलिस की गाड़ियां खड़ी है, जज, एंड ये आ चुकी है हमारी सामने ही प्रेसिडेंशियल गैलरी की एंट्रेंस। तो भाई फॉर अभी सम रीजन इन्होंने शायद एंट्रियां बंद कर दी है, हमारी गेट नंबर 11 से होनी है, कह रहे अभी नहीं जा सकते। गाइस इंडियन टीम आ रही है इसलिए इतना रश लगा हुआ है, मिलवा दो यार कोहली से। गाइस इंडियन टीम आ चुकी है, कमेंट करके बता दो किसको गेस। अरे हट जाओ, मुझे तो जड्डू दिख रहा है शायद। भाई नेक्स्ट लेवल क्रेज हो रखा है वहाँ पर, तो पूरी भीड़ बढ़ गई यार, फील आ रही है पापा? बहुत बढ़िया, अभी तो ये कुछ 100 लोग हैं, अभी 140,000 लोग स्टेडियम में, तो भाई नेक्स्ट भाई इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई थी बिकॉज इन्हें एंट्री बंद करी थी। अब मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही है ऐसे ट्रैफिक में फंसने की, हम यही वेट करेंगे। सो गाइस टिकट दे दिया ना, अभी यहाँ पे हमें एक पास मिल जाएगा भाई पूरा बना हुआ है, पूरा AC है, एंड यहाँ पे खाना पीना का भी इंतजाम।
भैया खाना हो गया। हम स्टेडियम एंटर कर चुके हैं। फर्स्ट रिएक्शन एक्सेलेंट यार, वाओ वाओ, अलग ही शहर बसा हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट लेवल क्रेजी है गाइस। ऐसा कुछ माहौल है स्टेडियम का, क्रेजी। वहाँ पे सारे इंडियन प्लेयर्स वार्म अप कर रहे हैं, यहाँ पे अरिजीत सिंह परफॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे इंडियन टीम वार्म अप कर रही है, रोहित शर्मा दुबई वार्म अप कर रहे हैं, विराट कोहली का, यार विराट कोहली दिख रहा है यार। चक दे इंडिया, 15 प्रो मैक्स के पैसे वसूल हो गए भाई, सारे दिख रहे हैं। चलो एवरीवन, लेट मी सी ऑल द फ्लैग्स अप इन द एयर। सौरभ दादा भी आ चुके हैं, पापा ने 99 नंबर जर्सी डाली है, एक टाइम में सौरभ गांगुली की होती थी 99। आपको सौरभ गांगुली का भी पसंद है? एंड रोहित विल स्पेंड द कॉइन, हैट, व्हाट्स इट एंडी, रोहित यू वॉन द टॉस, व्हाट हैव यू डिसाइडेड? रिकॉर्ड बनाया है, फास्टेस्ट 100 बाय अ इंडियन प्लेयर इन द वर्ल्ड कप। बाबर आजम बोल रहे भाई, हम पहुंच तो गए बट हॉस्पिटैलिटी लॉन में क्या बुरा हाल है, वहाँ खाने की पूरी लाइन यहाँ तक लगी हुई है। मतलब हम तो फ्री वाले हैं, लोगों ने 30,000 रुपए दिए एक्चुअल MRP और रीसेल इस टिकट की 1.5 लाख थी, और आगे पूरा पीछे तक बुफे काउंटर जाता है, यहाँ से भी आप मैच देख सकते हो अगर आपको देखना है। क्या क्रेजी सेटअप हो रहा है, आई एम रेडी टू वॉक इन। हार्दिक पांड्या भाई, क्या फील आ रही है, सचिन पाजी भी आ चुके हैं एंड अभी नेशनल एंथम होगा, पाकिस्तान का नेशनल एंथम शुरू हुआ, धीरे धीरे डर डर के आ रही है। पापा यार पाकिस्तान का नेशनल एंथम में खड़े हो जाओ यार, भाई सैगल फैमिली, हम सारे खाने में इतना बिजी हो गए थे, हमने पहला ओवर मिस कर दिया, अच्छा वाला खाना खा लिया था, मीठा रह गया था, उसके चक्कर में पहला ओवर। बुम बुम बुमराह बॉलिंग कर रहा है, ऐसा लग रहा है इस बॉल में आउट होगा, बिकॉज हमारे हाथ में फोन और रिकॉर्डिंग हो रही है। हम सारी वो तो सारे लाइव देख ही लेंगे, कवर ड्राइव, बाबर भाईगी पर विराट कोहली की वेट कर, बता ले अभी ना एक मिसफील्ड हुआ, मेरे मुंह से अवे निकला, गली क्रिकेट थोड़ा हो रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने और सबने इसका पंखा बना लिया, कैसे यार आउट हो गया, पाकिस्तान के लिए पनौती आ गया, हमें यही चाहिए। गाइस बाबर भाई आ चुके हैं, बाबर भाई जितनी जल्दी आए उतनी जल्दी ये देख गया, बाबर आजम कितने ओवर में आउट होगा, बस जाने वाले, तू बता साले देखता भी है। नहीं यार ये मानना पड़ेगा, आते ही आउट हो गया, कितने ओवर में आउट होंगे बाबर भाई, कौन है क्या बागर भाई, बागर भाई। और ये बता हर ओवर के बाद बैट्समैन साइड चेंज करते हैं या क्या होता है, साले होता है। चेंज करता है भाई। आ, ट्रिक क्वेश्चन, इसको नहीं पता था, इंडियन टीम के, इंडियन टीम के 5 प्लेयर बता, मेरे से ज्यादा क्रिकेट देखता है, करे बेटा ये सुना सुना लग रहा है। स्पिनर स्टार्ट हो चुके हैं, बाबर भाई को मुझे लगता है आज सुबह सुबह निहारी खिला दी है, वो तो फुल फॉर्म में आए, 2-3 चौके मार दिए एक एक ओवर में, इट्स गोना बी लुक्स टू बी अ हाई स्कोरिंग मैच, 300 प्लस नहीं पाकिस्तान नहीं बना पाएगा। ये तो सच बोल दिया, सर जड्डू के बच गए। गाइज उधर ना आयशो स्पीड आया हुआ और वो बैठा हुआ, तब से मैं इनको बोल रहा हूँ आ जाके वीडियो बना लो, और दोनों को ही नहीं पता कौन, वो देख शक्ल देखो उसकी। It's pitching in line, impact in line. भाई ये तो बच नहीं रहे, आउट ही हो जा रहे सारे।
इमरान भाई चले गए हैं। बूम बूम गाइस, हसन अली आ चुका है। बात ऐसी है कि 171 फॉर 7 हो गए हैं और 35 ओवर हो चुके हैं। हम सोच रहे थे खाना हम यहीं से खा के जाएंगे, उधर मैस में फोन कर दो, डिनर बना देंगे, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। 5 बजे जल्दी खत्म हो जाएगा भाई। अपने सब्सक्राइबर बहुत ही ज्यादा बढ़िया है और तेज भी हैं। भाई ने माल दे डाल दिया खादा। क्या रहा, क्यों खड़े हो? ये नहीं, फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुकी है। मैं 21 ओवर का टिकट फ्री में लिया है, जो 20,000 लेके आया है। मेरे लिए पैसे 8,000 खर्चे हमने हैं, दो टिकट लिए हैं। तुम्हें कैसा लग रहा था, मैं लाइन में खड़ा होना पड़ता खाने के लिए। पहली बॉल चौके के साथ बाउंड्री। क्या लगता है कितने ओवर में इंडिया जीत जाएगी? 25 ओवर। आप क्या कहते हो? 22। अगर नहीं हुआ ना तो बोल देगा किसको पकड़ना है। मेरे हिसाब से तो भाई 30 ओवर में कर देगी। मुझे लग रहा है आज इंडिया रिकॉर्ड सा बना देगा। लगे हुए भाई चौके 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 पे चौका, चौके पे चौका। भाई रन तो तगड़े बन रहे हैं। गाइस कोहली जी आ चुके हैं, अब फटे चक्के शुभमन गिल को। भाई सबने अपने फोन की फ्लैश ऑन करी, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा है। कोहली भैया आउट हो चुके हैं, 16 रन बनाए हैं। यार ये वाली लोकेशन अच्छी है, सब सेल्फियां ले रहे हैं अपनी। ये क्या बनाया है? अरे वाह, चलो उठाओ, पक्का लगेगा छक्का। अब गाइस देख लो, बच्चों की डिमांड पे अब छक्का लगेगा इस बॉल पे। ओए चौका लग गया भाई, ये इतना तेज आदमी है। मैंने ना एक रील बनाई, जाके स्टोरी डाला है तू भाई, मैंने देखा वो वीडियो बनाने का। एंड ऑफ ओवर नंबर 14 इंडिया 101 फॉर 2 भाई। अपलोड कर, वीडियो कॉल करने याद आया। किसको वीडियो कॉल कर दे? तीन वीडियो कॉल करके आए उधर अमित शाह जी बैठे हुए हैं, आप लोग देख पा रहे हैं। जनरल पब्लिक के पास आके बैठे हैं। अभी आपको उनका चश्मे दिख रहे होंगे। से विनती है प्लीज खड़े होकर ताली फॉर दैट इनिंग्स बाय योर कैप्टन रोहित शर्मा। यार जब इतनी अच्छी गेम खेलो ना, 85 रन बना लो तो थोड़ा बुरा लगता, काफी बुरा लगता है यार। रितिना सोच के आई थी कैसे भगवान को प्रार्थना करेगी इंडिया को जिता दो, और इंडिया इतने कंफर्टेबली जीत। पूरा स्टेडियम ऐसे काम करो हो जाएगी, मतलब पर इंडिया बहुत जल्दी जीत गई भाई। जीत के ये सिर्फ रिद्धि। हाँ जी कैसा लग रहा है? ग्रेट ग्रेट वंडरफुल भाई, टीम इज ऑल हियर। कोहली भैया आपको मिलेंगे हम फाइनल में या फिर शुभमन गिल ले गया मेरा दिल। मैच खत्म हो गया, ऐसे गंदे जोक्स नहीं खत्म हो रहे क्या? एक पाकिस्तान और एक आप हमेशा हारते हो। हाय भाई कोहली भैया, अनुष्का शर्मा को इशारे करे तुम जाओ। ओए ओए हां गाइस, फाइनली निकलने का टाइम आ चुका है। अब किस्मत ने चाहा तो इंडिया का जो फाइनल मैच होगा वो भी हम कोशिश करेंगे अहमदाबाद देखने की। बट देन अभी के लिए बाय बाय भाई। ये सारी क्रेजी वीआईपी मूवमेंट हो रही है, अपनी गाड़ी भी इधर ही कहीं होगी, क्रेजी जाम लगा। एक बात अच्छी है, गेट नंबर 1 से चेक करना पड़ना क्योंकि वहां तो बहुत बुरा हाल होगा। वापस आ चुके हैं, क्या मजे आए हैं। इंडिया ने तो भाई धमाल कर दिया। कर्नल साहब से पूछते हैं इनका फर्स्ट टाइम कैसा था एक्सपीरियंस। हां जी हम गए थे इसलिए इंडिया ने धमाल करना ही था। आपको कैसा लगा जाके? मैं तो हर मैच में जाऊंगा गाइस, अभी देखते हैं अगले कोई मैच इसकी प्लानिंग करते हैं फिर साथ चलेंगे। इस बार मम्मी पापा को भी लेके चलेंगे भाई। नॉर्मल लोग होते हैं जो मैच के बाद देखते हैं यार मैच एंजॉय किया मजा आया। ये लोग देखो स्टोरियां डाल रहे हैं, पोस्टें कर रहे हैं। अबे मेरे लिए यार, हम चाहते हैं कि हमारी ऑडियंस भी एंजॉय करे जो नहीं देख पाई। किसकी रिकमेंडेशन बेटर थी भाई? रात को अहमदाबाद में सब कह रहे 11 बजे बंद हो जाता है, कह रहे 11 बजे बंद हो जाता है, और अब ये 10:30 बजे खाना ढूंढ रही है। मैं बनाऊंगी खाना सबके लिए, मैं नहीं बनाऊंगी। तू बनाएगी? तू पागल बनाएगी भाई, खाना नहीं बनाएगी। नहीं यार मैं पत्ती मटेरियल हो गए। अबे पहले बड़ी हो जा ठीक है। आपकी उम्र में नहीं आना।